नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ 23वीं एससीओ समिट में कटोरे को सामने सामने सुना दिया है। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जो बड़ी बात उन्होंने कही सबके सामने, जबकि आप देख रहे हैं कि वहां पे शी जिनपिंग बैठा हुआ है और वहां पे पाकिस्तान का सरपरस्त यानी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वहां पे शहबाज शरीफ। मोदी साहब वाशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, एससीओ की लीडरशिप हमारे पास है और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया। आज जो है वो शहबाज शरीफ ऐसा ही घबराया हुआ देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत खरी खरी सुनाई कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कुछ कंट्रीज कर रहे हैं और इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये वाला जो बयान है, एक तो पहले ही दुनिया में इमेज हमारा बड़ा बुरी तरह गया हुआ है, बड़ा खराब इमेज गया है। अब ये जो समर्थन नहीं किया जाना चाहिए जो है, ये सीधे सीधे शी जिनपिंग पर केंद्रित था। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है, उसामा बिन लादन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? अपने हरकतों से ये पेश करे कि हम लोग दहशतगर्द है। भारत फिर कह दिया कि वी वांट नॉर्मल रिलेशंस विद इंडिया एंड हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। अरे भाई 370 का क्या हुआ, भूल गए क्या? वो दहशतगर्दी है, ये है, वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब देखे ना, ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ डू मेस विद अस। थी वो एससीओ की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो कि ऑनलाइन कर दी गई। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत खरी खरी सुनाई कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कुछ कंट्रीज कर रहे हैं और इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो पाकिस्तान ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कबूतर उड़ाने की कोशिश की, और मैंने पहला एक सेशन देखा है जहां पर वो इतना टोन डाउन थे, पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी है और पैसा मांगते घूम रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा मिल जाए। साथ में ईरान की भी एंट्री हो गई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इस पर भी मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये कि आज पाकिस्तान ने वही किया जिसमें वो एक्सपर्ट है और उनकी एक्सपर्टाइज है भीख मांगने की। आप सोच के देखिए, अभी तो रिसेंटली $3 बिलियन का इनको कमिटमेंट मिला है IMF से, तो भी हटे नहीं। अब अगली जो भीख है उसकी तैयारी इन्होंने कर दी। आप सोच के देखिए, अब तक इनका राग एक ही था कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना जब तक 370 नहीं हटेगा, और आज वो सब चीजों को भूल गए और फिर कह दिया कि वी वॉन्ट नॉर्मल रिलेशन विद इंडिया एंड हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। अरे भाई 370 का क्या हुआ, भूल गए क्या? पैसों के सामने ये हर चीज भूल जाते हैं पाकिस्तानी। और आप देखिए रोहित भाई, खासियत क्या है इनकी कि पहले आपको याद होगा इमरान खान ने बोला था जर्मनी और जापान की बॉर्डर लगते हैं एक दूसरे के साथ, याद है आपको? जर्मनी और जापान का बॉर्डर इमरान खान ने वो कुछ सुन के आया होगा तो बोल दिया उसने कि दोनों का बॉर्डर से लगता है। और आज शहबाज शरीफ मुझे लगता कुछ सुन के आया था, उसने बोल दिया कि पाकिस्तान एक इतना इंपॉर्टेंट ब्रिज है कि वो चाइना को यूरोप के साथ मिला सकता है। अब भाई यूरोप किधर है, बीच में अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, दोबारा बॉर्डर कैसे मिलता है भाई? एंड दूसरी बात क्या बोला उसने कि वी आर अ इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशिया। और भाई सेंट्रल एशिया की जितनी कंट्रीज हैं ज्यादातर उनके बॉर्डर चाइना के साथ ऑलरेडी मिल रहे हैं, उनको आपके ब्रिज की जरूरत क्या है? भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ क्या सूख के आया था आज। पैसे लेने के मामले में इनकी इतनी खासियत है, किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। पहली ये बात भी कि इनके कितने रिलेशन है यूरोपियन यूनियन से। आज जो हालत है फ्रांस में, और आज जो फ्रांस के दंगे स्विट्जरलैंड तक पहुंच गए हैं, वो सारे के सारे पानी पी पी के गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तुमने ये सारा रेडिकलाइजेशन किया है। तुम्हारी एक हफ्ते से ऊपर हो गया। रोहित भाई मैंने आपको एक बार बोला था, और मैंने मेरे जो अपना चैनल है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था कि पाकिस्तान कैसे सबसे बड़ा पनौती है। आप देखिए ये जहां जाते हैं वहां गन जल जाता है। अभी ये पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ जो इनका प्रधानमंत्री है वो फ्रांस जाकर आया, जिस दिन वहां से निकला है उसी दिन वहां पर दंगे शुरू हो गए। और दंगे भी जो है, जो इनके आते हैं ना गुब्बारे वाली जो बोट्स के अंदर जाते हैं,
जो कई बार डूब जाती हैं बीच में से, रास्ते में से कुछ बच भी जाते हैं, वो जाके वहां पर फिर ये जो शांति के काम कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट वो शुरू कर देते हैं लोग जाकर। भाई इमरान खान और रशिया गया उसी दिन रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई, ये फ्रांस में गया तो फ्रांस में आग लग गई, ये जहां जाते हैं वहां पर तबाही ही लेकर आते हैं, इनका ये हाल है। तो ये चुनौती कंट्री है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और ये जो बात कर रहे हैं, पहली बात कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन चाइना एंड यूरोप, भाई आप सोच के देखो टूटे फूटे पुल के ऊपर जो चलेगा वो भी गिर जाएगा, क्योंकि इनका तो पुल कभी भी गिर सकता है। तो कि क्या सूंघ के आते, मुझे आज तक समझ नहीं आया इनका। राइट अच्छा ये बात तो सही है। मीना जी पूछ रही हैं कि कब तक उधार के पैसों पे देश चलता है। मीना जी 70 साल से तो चल ही रहा है और चल ही रहा ये क्या कहते हैं घुटनों में बल जो चलता है उसको रिड़ना बोलते हैं, रिड़ना बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको वर्ड को, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। दूसरी तरफ ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन है वहां से, या इसका मतलब ये है कि नहीं जनाब आप पाकिस्तान को जो है वो हम कहते रहेंगे क्या फर्क पड़ेगा, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो एक तरफ आप ये करो कि मोदी साहब वाशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, SCO की लीडरशिप हमारे पास है, और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया और बोल दिया कि जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से जो लोग आते हैं फ्रीडम वाले जो लोग हैं वो फ्रीडम नहीं है, वो दहशतगर्दी है, ये है वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब देखे ना ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ डू मेस विद अस, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहां से मारेंगे, हम वहां पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आई रियली वॉन्ट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है, या पाकिस्तान ये समझता है कि बस ठीक है इलेक्शंस हैं आने वाले अगले साल तो मोदी साहब को क्यों कहिए सारा कुछ करना है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।